जब ओपन लेटर की जब बात हुई थी, वो भी ओपन लेटर आई गेस टीजे के लिखने से पहले बहुत फैंस ने ऑलरेडी बैश किया था. यू नो, सलमान को बहुत ज़्यादा बैश किया जा रहा था फॉर दैट कि यू नो हाउ कैन यू इंसल्ट केवी और ये वो. हालांकि वो मजाक था बिकॉज यू ऑल्सो यूज टू टेक इट वेरी लाइटली. लेकिन हाँ, लेकिन फैंस ने इतना ज़्यादा कर दिया तो आई थिंक आपको लगता है कि कहीं टीजे के ऊपर फैंस को खुश करने का प्रेशर आ गया था कि यू नो, या फिर ऐसा? बिकॉज आई डोंट थिंक सो टीजे पर्सनली भी ऐसा कभी. नो, बिकॉज सी मैं बहुत स्पोर्टिंगली हूँ. आई एम अ वेरी स्पोर्टिंग पर्सन. ओके, ये मस्ती मजाक यार हमारे स्टेज शोज में मनीष करते हैं, कपिल शर्मा करते हैं, वो सब करते हैं. तो इट्स अ लॉट ऑफ, इट्स अ फन बैंटर, यू नो. और सलमान भाई के साथ मेरा एक पर्सनल कनेक्ट भी है बिकॉज फैमिली के थ्रू वी नो ईच अदर. इफ यू रियलाइज ही डिडंट हैव फन विद एनीबॉडी एल्स. ओके, मतलब ही वुड नॉट पुल एनीबॉडी एल्स लाइक. और सलमान भाई का ऐसा है कि वो जिससे प्यार करते हैं उसे मस्ती ज़्यादा करते हैं. तो इट्स एन इंडस्ट्री नॉर्म दैट यू नो यू हैव फन, मस्ती मजाक दूसरी. बट मे बी फैंस टुक इट डिफरेंटली. ओके, एंड ऑफकोर्स टी जे बींग माई वाइफ, एक किस को भी अच्छा नहीं लगेगा कि यू नो मे बी स्टेज शोज एक दिन होता है, ये 3.5 months चल रहा है. तो आई सल्यूट बिकॉज टू टी जे की वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. उसने जो फील किया अपने हस्बैंड के बारे में उसने लिखा, शी डिड नॉट कीप इट विद इन. और मैं तो कहता हूँ कि कभी भी लाइफ में कुछ भी अपने दिल में मत रखो. जो आपको महसूस होता है लिखो, बोलो, एक्सप्रेस करो, लोगों के यू नो लोगों को बताओ. जो उसने किया इज रियली यू नो हैट्स ऑफ टू हर हर स्टैंड. लेकिन जो मैं अंदर मैं कर रहा हूँ वो आई नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू और व्हाट मेरे साथ हो रहा है. तो जब सलमान भाई ने बात दी थी, आई सेड नो आई थिंक आई एम नॉट ओके विद इट. बट मे बी लोगों को वो नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा ही हो रहा था या वो यू नो. सो अगेन इट्स मैंने पढ़ा नहीं बिकॉज यार वो कल मैं ढूंढने की कोशिश की, वो इतना बैकलॉग में चला गया, मुझे पता नहीं मैं कैसे ढूंढूँ. सो आई एम गोना फाइंड मे बी ऑनलाइन के कहाँ है वो ओपन लेटर, देन आई एम गोना रीड इट. सो या